वी आर किलर्स टूडे, वी आर किलिंग अवर पेरेंट्स. जो सुपारी लेकर मारते हैं ना, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 लेकर मर्डर्स करते हैं, वो एक दफा मारते हैं, सिर्फ एक ही दफा गोली मारते हैं, एक ही दफा छुरे से भोंकते हैं. लेकिन हम लोग रोज मार रहे हैं, एवरी डे मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं, तकलीफ दे देकर मार रहे हैं. किसको मार रहे हैं? अपनी माँ को, अपने बाप को. और मारने के लिए गन नहीं है, हरकतों से मार रहे हैं. ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अपने पेरेंट्स. होटल में नौकर झुक के थैंक यू सॉरी कुछ भी बोलता है तो हम टिप दे देते हैं. थोड़ी सी सर्विस देता है हम थैंक यू बोलते हैं, थोड़ी सी सर्विस देता है हम पैसे दे देते हैं. माँ ने कितनी सर्विस दी है? कुछ दिया आपने? कभी थैंक यू कहा आपने? वो टिप भी नहीं चाहती है. वो चाहती भी तो आप ही की कामयाबी, आप ही की अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप ही की अचीवमेंट्स, आप ही को ऑनर मिले, आप ही को अवार्ड्स मिले. मरने के बाद करोड़ों रुपए बना लें आप लोग, करोड़ों रुपए बना लें, कसम खुदा के आपको मजा नहीं आएगा वो करोड़ों रुपए में. आप सोचते रहेंगे कि काश माँ जिंदा होती, हज पर ले जाता, कार पर बिठाता, पेरिस ले जाता, फलाने जगह ले जाता. लेकिन माँ नहीं होती है, बाप नहीं होता है, पैसे पे पैसा मिलता है उस वक्त में. अब आपकी माँ जिंदा है, अब आपके बाप जिंदा है, अब रिस्पेक्ट करें. माँ सो रही है रात में, कभी 3 बजे उठ, उठकर माँ का चेहरा देख. तहज्जुद जो पढ़ते हैं ना, उतना ही सवाब देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला. ये मर्तबा अल्लाह ने रखा है माँ को देखकर मुस्कुराने का, बाप को देखकर मुस्कुराने का. कैसी बेहतरीन इबादत, इमेजिन करें. योर मॉम, योर डैड, दे आर स्लीपिंग एट नाइट एंड यू वेक अप फ्रॉम द वेरी डीप स्लम्बर. देखें और मुस्कुराएं, ये भी इबादत है. आपको पैसे वाले बनने की जरूरत नहीं है हज का सवाब लूटने के लिए. माँ को देखकर आप हज का सवाब लूट सकते हैं. आज माँ को दुश्मन बना दिए हम लोगों ने, वालिदैन को ही दुश्मन बना बैठे. उनके क्या ड्रीम्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, नहीं पता. यहाँ प्यारे नौजवान बच्चों, आप लोग के वालिदैन कुछ चाह कर भेजे हैं. स्कूल में जो भेज दिए वो तो खैर भेजना ही है सबको, तो वैसा भेजे हैं, उसमें भी कुछ ड्रीम्स थे होंगे. लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली इंग्लिश हाउस एकेडमी को जो भेजे हैं ना, ऐसे नहीं भेजे, कसम खुदा की. आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं हर बाप. जितने आपके वालिदैन हयात है ना, वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस के भूखे हैं, भिखारी हैं, अल्लाह के सामने भीख मांग रहे होंगे कि या अल्लाह मेरी बच्ची को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे, बहुत बिगड़ा हुआ है. इस बैच में ऐसे कई माएँ हैं, बहुत परेशान है, मुझसे आंख नहीं मिला सकते अपने बच्चों की हरकत की वजह से, शर्मिंदगी से बात कर रहे हैं. उम्र 13 साल, उम्र 15 साल, ऐसी घिनौनी हरकतें. ये करने के लिए आप पैदा हुए? डिसाइड करें कि आज से आपका कैरेक्टर क्लीन होगा और आपके पास में एक गोल होगा कि एकेडमिक्स में मैं बहुत जबरदस्त काम करूंगा. तो फिर दुआएं एक दफा वालिद के सीने से निकलेगी, रुकावटें जितने आएगी ना, चीरते हुए अर्श तक जाएगी वो आवाज, वालिद की चीरते हुए जाएगी, कोई रोक नहीं सकते. पूरी दुनिया की फौज लग जावे आपको रोकने के लिए, कामयाबी से रोक नहीं सकते आपको. अल्लाह वो बुलंदियों पर ले जाएगा. सिर्फ वालिदैन की दुआएं लें, आप हथियार हैं. आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें, आप स्टैनफोर्ड में पढ़ लें, और वालिदैन की बददुआ है, वालिदैन की दुआ आपके साथ नहीं है, आपके जेब में करोड़ों रुपए रहेंगे, सुकून नहीं रहेगा आपके जिंदगी में, मजे नहीं रहेंगे आपके जिंदगी में, परेशान रहेंगे आप. हयात में आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें और दुआ करें कि अल्लाह मेरी वालिदैन को लंबी हयात दें, वो मेरे अचीवमेंट्स देखें, वो मेरे अकॉम्प्लिशमेंट्स देखें. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वक्त पर मुनव्वर जमा ने काम नहीं किया. वक्त पर किया होता तो मेरे वालिदैन को ये मौके, आज जो मैं कर रहा हूँ ना 45 ईयर्स ऑफ एज में, ये मैं 35 में 30 ईयर्स में भी कर दिखा सकता था. आज बहुत यंग बच्चे कर रहे हैं, 25 साल में कर रहे हैं जो आज मैं कर रहा हूं. तो यही चीज मैं अगर 20 साल पहले करके दिखाता तो वालिद को इस जमीन पे जन्नत देता मैं, वो नहीं दे पाया. आज मेरे वालिद नहीं है, तरसता हूं मैं कि ये कामयाबी काश मेरे वालिद देखते तो कितना ऑनर मिलता. 2007 में दिल्ली में चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने अवार्ड दिया तो मोहल्ले के 200 लोगों को न्यूज़पेपर में तस्वीर दिखाते रहे, जो जो जाता गया, मेरा बेटा देखो दिल्ली की सीएम ने अवार्ड दिया. इतनी खुशी मिलती है वालिद को.
और आज वालिद है नहीं, तड़पता हूं, होता तो देखते ये कामयाबी, देखते कितना खुश होते। तो जब है खदर करें, जाने के बाद बिलेनियर भी बन जाएं आप, पैसे का कुछ नहीं करेंगे आप, कमाने का शौक रहेगा।